You're a superhero. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग हेल्प। मैं आज आप लोगों को एसबीआई पेंशन लोन स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। इस स्कीम से रिलेटेड हर एक डिटेल्स, जैसे इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका रीपेमेंट पीरियड कितना होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है और इसका क्या कंडीशन है, सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। पेंशनर्स को जो मंथली रेगुलरली पेंशन मिलता है उसी के अगेंस्ट बैंक पेंशनर्स को लोन देते हैं। वैसे तो पेंशनर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर पेंशनर और एक होता है फैमिली पेंशनर। रेगुलर पेंशनर्स आफ्टर रिटायरमेंट डायरेक्टली बैंक से पेंशन निकालते हैं और उसको बोलते हैं रेगुलर पेंशनर्स। रेगुलर पेंशनर्स के मौत के बाद पेंशन उसके नॉमिनी को मिलता है और उसको बोला जाता है फैमिली पेंशनर। नॉर्मली फैमिली पेंशन रेगुलर पेंशन से कम होता है। एसबीआई ये पेंशन लोन स्कीम दोनों पेंशनर्स को ऑफर करते हैं। तो इस स्कीम का पहले तो हम लोग जान लेंगे लोन अमाउंट कितना मिलता है। इस स्कीम में मिनिमम लोन पेंशनर्स को मिलता है 25,000 और मैक्सिमम लोन मिलता है 14 लाख। पेंशनर्स जब भी बैंक में पेंशन लोन के लिए अप्रोच करता है तो बैंकर दो चीज कैलकुलेट करता है। एक तो पेंशनर का जो नेट मंथली पेंशन मिलता है उसका 18 टाइम्स निकालता है और एक ईएमआई एनएमआई मैक्सिमम 50% पकड़ के उसका जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आता है वो कैलकुलेट करता है और इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट आता है उसी को सैंक्शन किया जाता है। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक पेंशनर का पेंशन है 20,000, यानी कि उसको मंथली पेंशन 20,000 मिलता है। तो अगर उसका 18 टाइम्स हम लोग लेते हैं तो आएगा 3,60,000। और इस तरफ अगर ईएमआई एनएमआई 50% पकड़ के उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.75 और 10 ईयर 72 मंथ्स के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी आता है 5,43,000। तो इन दोनों में से 3,60,000 सबसे लोअर अमाउंट होता है तो उस पेंशनर को 3,60,000 ही सैंक्शन किया जाएगा। ये ईएमआई एनएमआई रेशियो होता क्या है, ये क्यों एसबीआई यहाँ पे मतलब पिक्चर में लाया गया है, ये मैं बाद में इसको बताऊंगा। तो इस स्कीम का जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो होता है 72 मंथ्स यानी कि 6 साल, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि पेंशनर्स का एज 78 इयर्स होने से पहले ही लोन को क्लोज कर देना है, लिक्विडेट कर देना है। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो एज ऑफ नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो है 2.55% प्लस 2 ईयर MCLR। ये MCLR रेट चेंज होता रहता है। एज ऑफ नाउ 2 ईयर MCLR है 7.20, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.20 प्लस 2.55 इक्वल्स टू 9.75%। यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, एसबीआई पेंशनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक इस तरफ का कैटेगरी रहता है जिन लोगों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर एसबीआई की हेड ऑफिस में मेंटेन रहता है और कुछ पेंशनर्स है जिनका पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर एसबीआई में मेंटेन नहीं होता है। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर या फिर डिफेंस पेंशनर जिनका पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर एसबीआई की हेड ऑफिस में रहता है उन लोगों को 9.75% दिया जाता है, ऑफर किया जाता है। और जो लोग नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है जिसका पीपीओ कॉपी यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर का कॉपी ट्रेजरी में मेंटेन रहता है, एसबीआई में मेंटेन नहीं रहता है, उन लोगों को भी 9.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। पर एक कंडीशन है कि उन सब पेंशनर्स को ट्रेजरी डिपार्टमेंट से एक इरिवोकेबल अंडरटेकिंग बैंक को देना पड़ेगा। अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस ट्रेजरी पेंशनर्स को 9.75% के ऊपर 50 बीपीएस ज्यादा चार्ज किया जाता है, यानी कि उन लोगों के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10.25%। तो अब बात कर लेते हैं सिबिल स्कोर की। जो भी पेंशनर पेंशन लोन के लिए बैंक में अप्रोच करता है उसका मिनिमम सिबिल स्कोर होना चाहिए 650, यानी कि 650 या फिर उससे ज्यादा अगर सिबिल स्कोर है तो ही उसको पेंशन लोन मिलेगा। और लास्ट में बात कर लेते हैं गारंटी के बारे में। पेंशन लोन सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल फ्री लोन है, इसमें कुछ भी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि गारंटर की जरूरत है। अगर रेगुलर पेंशनर पेंशन लोन के अप्लाई करता है तो उसका पीपीओ में जो नॉमिनी है वो गारंटी दे सकता है। अगर फैमिली पेंशनर पेंशन लोन के लिए अप्लाई करता है तो इन दैट केस कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई थर्ड पार्टी गारंटी दे सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो गारंटर इन द एब्सेंस ऑफ बोरोअर उस लोन को रीपे कर सके।
चलिए, ये तो हो गया पेंशन लोन स्कीम्स का कंडीशंस। अगर कोई पेंशनर ये सब कंडीशन फुलफिल करता है तो वो उसको लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बोरोअर और गारंटर का दो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और सेकंड है पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट कॉपी का एक जेरोक्स। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड यानी कि केवाईसी कॉपी का जेरोक्स, बोरोअर और गारंटर दोनों का। और लास्ट में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो डीपी नोट या डीपी नोट टेक डिलीवरी लेटर। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट बैंक ही आपको प्रोवाइड करेगा, आपको सिर्फ उसमें दस्तखत करना है। और उसी के साथ साथ एज पर स्टेट्स रेवेन्यू पॉलिसी वहां पे एक स्टैंप भी आपको देना पड़ेगा। नॉर्मली 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप वहां पे डाला जाता है, पर वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज। तो चलिए, इन सब के बाद अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो लोन अमाउंट जो है वो आपकी पेंशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, और पेंशन अकाउंट में एक एसआई यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट किया जाएगा, जिससे आपकी पेंशन अकाउंट से रेगुलरली ऑटोमेटिक ईएमआई डेबिट होकर लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जो मैंने पहले बताया था ईएमआई एनएमआई रेशियो, अब मैं उस ईएमआई एनएमआई रेशियो के बारे में बताने वाला हूँ। एसबीआई क्यों ईएमआई एनएमआई रेशियो 50% लेता है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि एसबीआई अज्यूम कर लेता है कोई भी पेंशनर अगर पेंशन लोन लेता है तो वो अपने पेंशन से मैक्सिमम 50% ही एज ईएमआई दे सकता है, और बाकी 50% और पेंशन अमाउंट अपने घर चलाने के लिए खर्च कर सकता है। तो किसी भी हालत में बैंक अपने पेंशनर से 50% से ज्यादा ईएमआई नहीं ले सकता है। तो ईएमआई एनएमआई रेशियो 50% पकड़ के जो लोन अमाउंट या लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है वही आपको सैंक्शन होता है, उससे ज्यादा लोन बैंक नहीं सैंक्शन कर सकता है। रेगुलर पेंशनर्स के लिए ईएमआई एनएमआई रेशियो 50% है, हालांकि फैमिली पेंशनर्स के लिए ईएमआई एनएमआई रेशियो 33% है। तो ईएमआई एनएमआई रेशियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोन अमाउंट कैलकुलेट करने में। तो एसबीआई पेंशन स्कीम का ये था पूरा डिटेल्स। आई होप कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए या फिर काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले, मुझे सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।